लोगों को हिंदू मुसलमान धर्म पर वोट देना है या जो नौकरी देने वाले लोग हैं, जो विकास चाहते हैं, बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, मतभेद को मिटाना चाहते हैं, एकता की बात करते हैं, कि आप उनका साथ दीजिए। दसवां साल चल रहा है, समझिए कि 10 को 2 से गुना कर लीजिए तो 20 करोड़ रोजगार में कितना मोदी जी दिए। हम लोग नियुक्ति पत्र बांटना शुरू किए तो उधर भी बोलते हैं 50,000 बांट रहे। बताओ, वो झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर है, वो झूठ बोलने के रिटेलर है, यही उनका काम है। अब आप बताइए, जब चुनाव होता है तबे मंदिर जाते हैं, और हम लोग तो जब चुनाव ना हो हमारे घर आइए तो हम लोग घरों में मंदिर बनवा के रखते हैं, सबकी ना गाड़ी चलेगी। तो हम इसलिए कह रहे, अगर कहीं भी अगर अन्याय हो रहा है, किसी के भी साथ हो रहा है, तो आपके साथ या किसी अन्याय किसी के साथ हो रहा है तो उसके साथ तेजस्वी यादव खड़ा है। ये हम आप लोगों को, हमको किसी बात की हड़बड़ी भी नहीं है। पूरा समय लीजिए, और लेना है ले लीजिए, सोचिए विचारिए देखिए। लेकिन एक बात हम जरूर पूछना चाहते हैं, कुछ पार्टी के लोग तो ये कहते हैं हमेशा कि भाई हम लोगों का नाम लेके, लालू जी का नाम लेकर के क्या क्या कहता रहा, वोट लेता रहा, लेकिन आप लोगों को क्या मिला। एक बार इसका भी अध्ययन जरूर कर लीजिएगा कि जिसका जिन लोगों ने साथ दिया इतने वर्षों तक, उन्होंने आपको क्या दिया, क्या मिला, क्या हिसाब किताब है बताइए। तो इसका भी अध्ययन जरूर कीजिए। हम किसी का बुरा ही नहीं, ये आप लोग सब लोग मालिक हैं और जनता ही असली मालिक है जो हम मानते हैं। तय आप लोगों को करना है, आप लोगों को हिंदू मुसलमान धर्म पर वोट देना है या जो नौकरी देने वाले लोग हैं, जो विकास चाहते हैं, बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, मतभेद को मिटाना चाहते हैं, एकता की बात करते हैं, कि आप उनका साथ दीजिए। आज हम लोग नौकरी सुन लीजिए, जिन लोगों ने नौकरी के नाम पे वोट दिया, आज उन लोगों को नौकरी मिलना शुरू हो गया। और जो लोग धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मिल रहे, जिनको मिला है, उनको क्या मिला? बेरोजगारी मिली, गरीबी मिली, और क्या मिला आप बताइए? मिला क्या उन लोगों को? बुलडोजर मिला, मतलब इस पे नहीं भाई, पेट भरने का काम तो रोजगार मिलेगा तब ना पेट भरेगा, महंगाई कम होगी तब ना घर चलाना आसान होगा। लेकिन ये भाजपा वाले लोग क्या क्या बात करता था बताइए, क्या क्या करेंगे, नहीं करेंगे तो क्यों नहीं, 15 लाख हो, 2 करोड़ रोजगार की बात हो हर साल। अब तो दसवां साल चल रहा है, समझिए कि 10 को 2 से गुना कर लीजिए तो 20 करोड़ रोजगार में कितना मोदी जी दिए। हम लोग नियुक्ति पत्र बांटना शुरू किए तो उधर भी बोलते हैं 50,000 बांट रहे। बताओ, बिहार राज्य में अकेले जो है 4 लाख से भी अधिक बहालियां निकाल दी गई हैं अलग अलग विभागों में, और एक साथ तो अभी हो गया सेकेंड फेज की भी, लगभग 70,000 का भी घोषणा हो गया शिक्षा का और शिक्षकों का। बिहार अकेले लाखों में दे रहा है, प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री है, वो हजार में दे रहा है, अभी कब, दिखावटी। तो उनकी तो सारी राजनीति दिखावटी, बनावटी, मिलावटी है। मोदी जी जो है, आप मानिएगा नहीं, वो झूठ बोलने के फैक्ट्री है, वो झूठ बोलने के होलसेलर हैं, वो झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो झूठ बोलने के रिटेलर हैं, यही उनका काम है। अब आप बताइए, जब चुनाव होता है तबे मंदिर जाते हैं, और हम लोग तो जब चुनाव ना हो हमारे घर आइए तो हम लोग घरों में मंदिर बनवा के रखते हैं। लेकिन डेली हम जाएंगे भगवान का आराधना करने, तो हम डेली फोटो खिंचवा के दिखाएंगे क्या, कि देखो हम पूजा करते हैं, हम ही हिंदू हैं। तो ये सब दिखावटी है, मिलावटी है, बनावटी है, इन लोगों को अपने से मतलब है। और आप लोगों को तय करना है कि
कि आप कलम बांटने वाले का साथ दोगे कि तलवार बांटने वाले का साथ दोगे? कलम बटेगा तो परिवार खुश होगा, लाखों परिवार अभी खुश है, दिवाली मना रहा है, लेकिन जिन्होंने तलवार बटवाया, आज जिनके बच्चे दंगा फसाद में जेल में हैं, क्या उनके घर दिवाली मन रहा है? क्या हो रहा है? नुकसान किसको हो रहा है? क्या मिल गया? तो ये सब बकवास बात। हमको पाकिस्तान और बांग्लादेश से क्या लेना देना है? हमको अपने देश से लेना देना है, और देश को अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि पिछला 5 साल कैसा रहा, ठीक ठाक रहा कि नहीं रहा। अगर ठीक ठाक नहीं रहा तो उससे बेहतर 5 साल का सरकार आना चाहिए कि उससे बेहतर करके दिखाए। तो यहाँ सरकारें जो हैं, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, आपका बांग्लादेश में क्या चल रहा है, गाजा में क्या चल रहा है, उससे क्या लेना देना भाई। हम देखेंगे कि हमारी जनता की क्या स्थिति है, हमारी जनता की स्थिति सुधरी है कि नहीं सुधरी है, हमारे लोग आगे बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, हमारे यहाँ बेरोजगारी कम हुआ कि नहीं कम हुआ है, हमारे यहाँ शिक्षा चिकित्सा सुधरा है कि नहीं सुधरा है, हमारे यहाँ आर्थिक स्थिति लोगों की सुधरी है कि नहीं सुधरी है। तो ये काम में हम लोगों को लगना चाहिए। तो इस पर तो कोई डिबेट होता नहीं है, तो होता रहता है, एजेंडा चलाता रहता है। अब हम लोग सच बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, और भाजपा के सामने हम लोगों ने नाक नहीं रगड़ा तो ईडी या सीबीआई तो हो ही ना जाता है। तो उससे हम लोगों को कोई डर है क्या? हम लोग डरने वाले लोग नहीं है, हम लोग सच बोलने वाले लोग। सब लोग जो सच बोले, जिन्होंने आंदोलन लड़ाई लड़ी, सब लोग जेपी मूवमेंट में लोग निकले, लोगों को जेल में बंद किया गया, तो ये सब लोग देखिए लड़ाई लड़ा है वही जीता है। तो हम लोग लड़ेंगे और ज़रूर जीतेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन हमारा जो ख्वाहिश है कि इसमें सब लोगों को हम लोग साथ लेके चले, कोई भेदभाव किसी से ना करें। और आने वाले समय में विश्वास रखिए, जब विधान परिषद में ठीक ठाक हिसाब से हम लोगों ने टिकट दिया, तो आने वाले समय में भी जो है उसी हिसाब से आप लोगों पर ध्यान हम देने का काम करेंगे। तो विधानसभा तो अभी 25 में है, हर चीज़ है, चुनाव है, आता जाता रहेगा, हर 4 साल और 5 साल पे तो चुनाव है लोकसभा विधानसभा।